देखिए इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉपलेट और एयर बबल का केस डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले इसको समझने के लिए एक बात हम समझ लेते हैं कि देखिए यदि ये स्टेट सरफेस है, इधर P1 प्रेशर है, इधर P2 प्रेशर है, दोनों प्रेशर बराबर हैं तभी तो P1 इज इक्वल टू P2 है। दूसरा केस लेते हैं, यदि हम P1 को बढ़ाएंगे तो P1 इधर से अप्लाई होगा तो इस सरफेस को इस साइड टर्न करेगा, यानी कि इधर P1 है, इधर P2 है, यानी कि P1 विल ग्रेटर देन P2। यदि P2 की वैल्यू ज्यादा है तो इस सरफेस को इधर झुकाएगा और ये P1 से P2 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि P1 से ग्रेटर देन है P2। एक तो ये बात समझ में आ गई होगी आपके। तो अब दूसरा केस लेते हैं। दूसरे केस में क्या करते हैं, समझ लीजिए मेरे पास एक स्पेरिकल बॉल है, ये टेप है मेरे पास, स्पेरिकल बॉल नहीं है, ये स्पेरल के शेप में, मैं इसको बीच से कट कर दूंगा। तो कट करने के बाद इसका जो इस साइड का एरिया आएगा वो सर्कल की फॉर्म में आएगा, इस साइड स्पेयर रहेगा, यानी कि हाफ स्पेयर हो जाएगा। देखिए कट करने से पहले ये स्पेरिकल बॉल है, इसके सभी टाइप में मतलब कि जितनी पॉसिबल डायरेक्शन है उस डायरेक्शन से मैं इस पे क्या करूंगा, एक वायर को लपेट दूंगा। वायर को लपेटने के बाद जब मैं इसको कट करूंगा तो जो वायर इसकी सरफेस पर रहेगा वो इसके पेरीफेरी पर रहने वाला है, यानी कि पूरी पेरीफेरी पर वायर रहेगा। कट करने के बाद जो वायर ड्रॉ होगा वो कुछ इस तरह ड्रॉ होगा, यानी कि जो वायर, समझ लीजिए इस पे वायर ड्रॉ है, ये वायर ड्रॉ है, तो ये वायर ड्रॉ होने वाला है इसके स्पीयर पे, पेरीफेरी पर कुछ इस टाइप से ड्रॉ होगा। आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। कट करने के बाद ये वायर कुछ इस टाइप से ड्रॉ होगा इसकी सरफेस पे, ठीक है, दोनों के समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम जब बात करते हैं प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉपलेट, इसको मैं मिटा सकता हूं। देखिए जब इनिशियली मेरे पास आया वो स्पेरिकल शेप, जब मैं उसको कट कर दूंगा, कट करने के बाद यदि हम उसका फ्रंट व्यू लें तो इसका जो एरिया बनने वाला है एक सर्कल की फॉर्म में बनेगा। देखिए जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, कट करने के बाद एरिया बनेगा सर्कल की फॉर्म में बनेगा, देख सकते हैं आप, और ये हो जाएगा उसका एरिया जो सर्कल की फॉर्म में बनेगा, और ये रहेगा हाफ सर, हाफ स्पीयर। अब देखिए ये वाला डायमीटर डी है, अब इस स्पीयर पर जो भी प्रेशर लगने वाला है वो इस सर्कल से ही पास होकर जाएगा, यानी कि इधर से एंट्री लेगा, यानी कि जो भी प्रेशर लगने वाला है वो इधर इसी सर्कल से ही पास होने वाला है, ठीक है, तो इधर पे प्रेशर लगेगा इनसाइड से। तो जो सर्कल से यानी कि जो प्रेशर लगने वाला है उसके लिए जो एरिया होने वाला है वो एरिया होने वाला है पाई बाय 4 डी स्क्वायर, जो कि हो जाएगा प्रेशर का एरिया। और जो प्रेशर हम कैलकुलेट करते हैं, जो प्रेशर कैलकुलेट करते हैं वो एक्सेस प्रेशर कैलकुलेट करते हैं अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि इधर से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा ना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अब तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा ना, तो प्रेशर बचेगा वो एक्सेस प्रेशर ही बचने वाला है। सेम अब मैंने क्या किया, उस पर वायर ड्रॉ किया था ना, वायर को बांधा था, उस वायर को कट करने के बाद जो भी वायर उस पे से निकलेगा वो इस साइड इस टाइप से निकलेगा कुछ, यानी कि उसकी पेरिफेरी पर यही वायर रहेगा। देखिए ये इस तरह वायर निकलेगा जो कि मैंने आपको रेड से ड्रॉ करके बताया था, ये अंदर की साइड का जो डॉटेड लाइन है। तो देखिए यही रहेगी सरफेस टेंशन और स्ट्रेस, सिग्मा बोल सकते हैं, ये होती है सरफेस टेंशन की वजह से, यानी कि इसके लिए जो एरिया बनने वाला है वो पेरिफेरल एरिया बनने वाला है, इसका जो एरिया रहेगा वो पेरिफेरल एरिया रहेगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं पाई डी, सरफेस एरिया जो रहने वाला है, आपको समझाने के लिए बताया था कि उसको कट करने के बाद हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, वैसे जो स्पेयर रहता है वो पूरा ही स्पेयर रहता है और उस पर जो प्रेशर लगता है वो इस एरिया से जाता है, समझने के लिए लिया था। तो ये हो जाएगी स्ट्रेस। देखिए अब क्या होगा, प्रेशर फोर्स बराबर होगा सरफेस टेंशन फोर्स के फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल पी मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 4 डी स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा इनटू पाई डी। देखिए पाई और डी कैंसिल हो जाएंगे तो जो डेल पी की वैल्यू आने वाली है वो आने वाली 4 सिग्मा बाय डी, ये आ जाएगी आपके पास डेल पी की वैल्यू। देखिए अब हमने क्या केस लिया था, लिक्विड ड्रॉपलेट यानी कि अंदर लिक्विड रहेगा और बाहर रहेगी एयर, यदि हम सेम केस ले ले, बाहर रहेगा लिक्विड और अंदर रहेगी एयर,
तो केस यही होने वाला है। मतलब कि आप इस बात पर ध्यान दीजिए, यदि मीडियम दोनों साइड डिफरेंट है, मीडियम दोनों साइड डिफरेंट है, तो उसके लिए एक्सेस प्रेशर यानी कि पी ए टी एम पी माइनस पी ए टी एम, ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं पी एब्सोल्यूट माइनस पी ए टी एम इज इक्वल टू 4 सिग्मा बाई डी। तो पी एब्सोल्यूट यदि निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं पी ए टी एम प्लस 4 सिग्मा बाय डी, ये हो जाएगा पी एब्सोल्यूट। देखिए अब हम क्या केस लेते हैं, समझ लीजिए एयर बबल हो गया, तो आपको समझ में आ गया एक साइड यदि मीडियम है यानी एयर बाहर साइड है अंदर लिक्विड है, लिक्विड बाहर साइड है अंदर एयर है, तो क्या केस होगा 4 सिग्मा बाय डी। ये केस किसका हो जाएगा, प्रेशर इनसाइड दी लिक्विड ड्रॉपलेट और एयर बबल। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये एक्सेस प्रेशर होता है क्योंकि इस साइड से भी पीएटीएम लगेगा ना, तो पीएटीएम कैंसिल हो जाते हैं, तो ये प्रेशर आता है, वो प्रेशर आता है पी एक्सेस प्रेशर। और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।